सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारी सोसाइटी में लोग रेप के बारे में क्या सोचते हैं, उनके अनुसार रेप क्यों होते हैं। भाई टाइम का फर्क पड़ता है, अगर लड़की रात को देर रात तक घर आए तो क्या रेप हो सकता है? अबे गलत टाइम पर लड़की घर से बाहर जाएगी तो रेप तो होगा। भाई क्लोथ्स का रेप के साथ कुछ संबंध है? अगर गलत कपड़े पहन के जाएगी तो रेप तो होगा। भाई लड़कियों को तन बदन ढककर चलना चाहिए। भाई यार कल्चर का कोई फर्क पड़ता है? अगर लड़कियां पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करेंगी तो रेप तो होगा। भाई लड़कियों को इंडियन कल्चर को फॉलो करना चाहिए। यार हैबिट्स का रेप के साथ कोई संबंध है? अगर लड़कियां रात को दारू पार्टी करेंगी, बीड़ी सिगरेट पियेंगी तो भाई रेप तो होगा। अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है, लड़कियों को अपनी लिमिट में होना चाहिए। तन ढक के रखेंगे तो बलात्कार क्यों होगा? नहीं होगा। जब तन इनका खुला रहेगा तो बलात्कार ही होना है। हर किसी का मूड खराब होगा। अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है। आजकल तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है जिसके अंदर कपड़े बनते हैं, उनको पर कार्रवाई करनी चाहिए कि अभी आप ऐसे कपड़े ना बना के भेजे मार्केट के अंदर। पहले जब ऐसे कपड़े नहीं थे तो बलात्कार कहाँ होता था? नहीं देखो हम लोग खुश हो जाते हैं कि हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन यार क्या फायदा जब हम 6 बजे के बाद अपने घरों से माँ बहन बेटी को अकेले नहीं भेज सकते। एक लड़की ने भले ही PhD कर रखी हो लेकिन जब उसे घर से बाहर भेजना होता है तो उसके साथ एक बॉडीगार्ड को जरूर भेजते हैं। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरा सवाल ये है कि लड़कियां कहाँ अनसेफ है, घर में या घर से बाहर? आप में से ज्यादातर ये बोलने वाले हो कि लड़कियां घर के बाहर अनसेफ है और घर के अंदर सेफ है, और शायद मेरा भी जवाब यही था रिसर्च से पहले, लेकिन अब मेरा जवाब उल्टा है। घर के बाहर लड़कियां जितनी तुलना में अनसेफ हैं उसकी कई तुलना में घर के अंदर अनसेफ है। शायद ये सोच रहे होंगे कि जब लड़कियां अनजान जगह में होती है, अनजान लोगों के साथ होती है, तब उनको खतरा ज्यादा होता है, लेकिन मेरे बब्बुआ ये फैक्ट बिल्कुल गलत है। लड़कियों पर जितने भी फिजिकल वायलेंस हुए हैं उनमें से 70% या तो घर के अंदर हुए हैं या फिर किसी जानकार ने किए हैं। रेप केस भी 90% किसी पड़ोसी ने, किसी दूर के रिश्तेदार ने या फिर लगातार फॉलो करने वाले बंदे ने ही किया है। लेकिन रेपिस्ट का क्या मोटिवेशन होता है, एक रेप के पीछे उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अंदर गया तो उनको दरवाजा वो बांस जो लगा हुआ था वो एकदम गिर गया, जाग पड़ा हुआ आदमी से खुला के बांस गिरा, कोई आवाज आई, फिर मैं उसको ईंट मार दिया। ईंट से मारा? हाँ जी। उसके बाद ईंट मारा तो वो तो वही पड़ा, वही बेहोश हो गया। दो बार मार दिया, औरत भी जानने की ये आवाज कहाँ से आई, उसको भी दो बार मार दिया। काफी रिसर्चों ने दावा किया है कि एक रेपिस्ट एक नॉर्मल पर्सन होता है। मधुमिता पांडे ने एक रिसर्च में कहा कि जब वो एक रेपिस्ट से बात कर रही थी तब उन्हें उन पर दया आने लग गई थी। रिसर्च करने वाले जब एक रेपिस्ट से पूछते हैं क्या तुमने जबरदस्ती की है तो उसका जवाब देते हैं हाँ, लेकिन जब रेपिस्ट से पूछा जाता है क्या तुमने रेप किया तो उसका जवाब देते हैं नहीं, हमने रेप नहीं किया। रेपिस्ट रेप का जिम्मेदार कई बार विक्टिम को ही ठहरा देता है। 49 साल का एक रेपिस्ट जिसने 5 साल की लड़की के साथ रेप किया, उसका मानना था कि 5 साल की लड़की उसको भड़का रही थी, उसका और उसकी माँ का चरित्र अच्छा नहीं था और उन दोनों को सबक सिखाना था, इसलिए मैंने उस लड़की का रेप किया। लेकिन अगर मैं अब जेल से बाहर जाता हूँ तो मैं उस लड़की के साथ शादी कर लूंगा, उस लड़की को मैंने सबक सिखा दिया, उस लड़की के साथ अब तक किसी ने शादी नहीं की होगी और ना अब आगे कोई करेगा। देखो ज्यादातर केसेस में एक रेपिस्ट विक्टिम की एक्टिविटी पर ध्यान रखता है, उसके बाद रेपिस्ट विक्टिम को नुकसान पहुंचाता है। कुछ इनमें से भी अपॉर्चुनिटिक रेपिस्ट होते हैं जो मौके का फायदा उठाते हैं। इनमें मेनली वो विक्टिम्स होते हैं जो गरीब होते हैं। रेपिस्ट सोचता है कि ये गरीब हैं, इन्हें कुछ पैसे देकर फुसला दिया जाएगा और मैटर यहीं क्लोज कर दिया जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन शॉर्ट टर्म के लिए सजा देना हो सकता है, लेकिन फ्यूचर के लिए हमें हमारी सोसाइटी को चेंज करना होगा, लड़कियों और लड़कों में भेदभाव कम करना होगा, अपने बच्चों में लड़कियों के प्रति रिस्पेक्ट का भाव देना होगा। हमारे इंडिया में ही रेप ज्यादा क्यों होते हैं तो इसका कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना होगा, हमारी पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना होगा, हमारा लीगल जो सिस्टम है उसको भी रिफॉर्म करना होगा, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने होंगे और एक रेपिस्ट को सजा भी मिलनी चाहिए ताकि वो रेप करने से पहले 100 बार सोचे। ओके गाइज आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय गाइज।